ओके है सब हाँ ओके okay है ऑल ओके ऑल ओके और ठीक है ओके okay? तो गुड इवनिंग टू ऑल आप सभी लोगों का स्वागत है मिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और मैं कुलदीप महिंद्रास तहिल से आप लोगों का स्वागत करता हूँ रीजनिंग के दंदाज सेशन में और सबसे पहले जल्दी से मुझे बता दीजिए क्या मेरी वॉइस वगैरह सब लोगों क्लियर है या नहीं है मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन जो होता है वो यही होता है फर्स्ट क्वेश्चन ही होना भी चाहिए यार सबसे पहले टेक्निकल पार्ट अपना बढ़िया क्लियर है कि नहीं है हाँ लग तो मुझे सुनाई दे रहा है सही है सब सही है सब सही, सही है भाई यहाँ पे भी सुंदर जी हैं अनु जी हैं चंद्र जी हैं राधा जी हैं कपिल जी हैं ऋचा जी हैं वंदना जी हैं दीपक साहब हैं प्रीत जी हैं गणेश जी हैं मणिपाल जी हैं सौरभ जी हैं वैद्यनाथ जी हैं बतवी दुनिया जी हैं चलिए रिचा जी हैं रीना जी हैं कार्तिक साहब हैं हितेश जी हैं महिंदिरा जी हैं हिमांशु जी हैं कुणाल जी हैं प्रिया जी हैं दानिश दानिश अली जी हैं जीत जी हैं कार्तिक साहब भी हैं जया जी भी हैं पब्लिक टॉक्स साहब आ चुके हैं गुड इवनिंग मेरे भाई कल्याण जी हैं संजय जी हैं अनुराग जी हैं उदय साहब हैं जीत साहब हैं कार्तिक जी हैं सब लोगों को सबसे पहले गुड इवनिंग और मेरी वॉइस वगैरह ऑल ओके है सब लोगों ने बता दिया ठीक है ठीक है मेरे भाई ठीक है अनुराग साहब गुड इवनिंग गुड इवनिंग मोदी रोज़गार दो हाँ भाई मेरे भाई ये तो मेरा भी नारा है मैंने भी खूब हैशटैग करा था उस दिन बाद में ट्वीट वगैरह भी डिलीट हुए थे वो सब चीज़ें भी रही थी चलो आज पढ़ते हैं लेकिन अपना सबसे पहले इसी रिदम के साथ तो ठीक है ये टेलीग्राम का लिंक होगा इसमें आपको सभी ज़रूरी इंपॉर्टेंट पी और चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी तो लगे रहिए मेहनत करते रहिए और सबसे जरूरी ये होगा कि आप उस पी को सॉल्व भी करें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी होती है चलो मेरे भाई सब लोग गुड इवनिंग बढ़िया है सब लोग आ चुके हैं चलो सेशन की शुरुआत करते हैं बढ़िया से अपना पढ़ते हैं ठीक है चलो मेरे भाई ये था आप लोगों का कल का जो सैटरडे का होमवर्क का क्वेश्चन ठीक है ना ये सैटरडे का होमवर्क का क्वेश्चन था तो वैसे पहले इसको देख लेते हैं एजुकेशन का मतलब ये है तो एजुकेशन का मतलब क्या है ये स्पेलिंग है स्टूडेंट की एस टी यू डी ई एन टी देखो कैसे बन रही है एस टी यू ये डी ये ई e, ये एन और ये टी ये स्टूडेंट की स्पेलिंग है मेरे भाई अलग अलग लॉजिक्स हैं मार्केट में तो अपन को सब सीखने और कुछ नहीं है ये स्टूडेंट की स्पेलिंग है तो गवर्नमेंट किसके लिए होती है एजुकेशन स्टूडेंट के लिए होती है तो गवर्नमेंट किसके लिए होती है इसकी स्पेलिंग बनती है क्या बनती है पी ई ओ पी एल ई साफ साफ समझ में आ गया पीपल ठीक है ओके okay. यहाँ पे बनती है टी ओ बी टॉप तो कुछ होगा नहीं और ये टी जाएगा टी ए बी टैब बी ऐसा कुछ नहीं हो रहा ठीक है ओके टी ए बी ये तो कुछ नहीं बन रहा इसको हटा देते हैं नहीं सॉरी जे से होगा ना जे जे ओ बी जॉब अच्छा ये जे होगा सॉरी मैं टी कर रहा था जॉब के लिए होती है सी ए आर कार हो गया ये किसकी स्पेलिंग हो गई ये हो गई डिपार्टमेंट की ठीक है ये डिपार्टमेंट की हो गई तो जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों के लिए होती है तो पीपल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पीपल इज़ द राइट आंसर ठीक है ना बाय द पीपल फ़ॉर द पीपल बिल्कुल सही बिल्कुल सही बाय द पीपल फ़ॉर द पीपल यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है आज आपका पहला क्वेश्चन जो है ये ब्लड रेशन का है ये आप लोगों का सी जी एग्ज़ाम का है बच्चों ने इसमें टाइम लगाया देखते हैं आप लोग इसको बिना टाइम लगाए करोगे या डायरेक्ट कर सकते हो या कैसे करोगे मेरे भाई बताओ बिना टाइम लगा करोगे डायरेक्ट करोगे कैसे करोगे बिल्कुल दिवाली जी सही है कंचन जी कह रही है सर ऐसे क्वेश्चन में डाउट होता है सही बात है अब देखो प्रैक्टिकल सोचो अगर इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट पढ़ते ना तो आपका इस क्वेश्चन को खत्म हो जाता है देखो सबसे पहले हमेशा हमेशा किससे मतलब होता है पहले वाले के रिलेशन से मतलब होता है ये वाली बात मैंने कई बार बोली है ठीक है ना ये वाली बात मैंने कई बार बोली है हमेशा पहले वाले से मतलब होता है हितेश साहब बोल रहे हैं इस क्वेश्चन को स्किप कर देंगे मेरे भाई इस क्वेश्चन को यही क्वेश्चन तो करने वाला है यही क्वेश्चन करने वाला है मेरे भाई सब लोग समझना कैसे करने वाला है इसको समझना यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना पहले वाले से मतलब होता है ए परसेंटेज से कैसे संबंधित है यही तो पूछा है यहाँ पे बोला है ए एट द रेट की पत्नी है तो अगर ए एट द रेट की पत्नी है मतलब फीमेल होगी बोलो हाँ या ना तो यानी कि ए कभी भी ना तो सन बन सकती किसी का ना ब्रदर बन सकती ना ब्रदर इन लॉ बनती सिस्टर इन लॉ बिल्कुल सही जवाब हो गया देखो मैंने कोई ना तो पेन चलाया ना पेंसिल चलाया डायरेक्ट कहाँ से कर लिया मेरी भाई बात समझ में आई यहाँ पे प्रिया जी ना बिल्कुल सही है तो मेरे भाई क्वेश्चन मुश्किल दिखता है लेकिन है नहीं नॉर्मल है ये सिर्फ और सिर्फ बड़ा आसान देखो इसको समझो ए पत्नी लगती है एट द रेट की अगर मेरे भाई ए पत्नी लगती है तो मैं इसका डायग्राम नहीं बनाऊंगा डायग्राम बनाने में टाइम टेकन हो जाएगा ए अगर पत्नी लगती है तो सीधी सी बात है फीमेल होगी क्योंकि हमेशा पहले वाले का जेंडर देखो तो ए ना तो किसी का भाई बन सकती है ना बेटा बन सकती ना ब्रदर इन लॉ बन सकती क्या बनेगी वो फिर सिस्टर इन लॉ ही बनेगी सेकंड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ठीक है ना बिल्कुल मतलब ही दुनिया जी ने सही कहा क्वेश्चन को आप लोगों को बनाना है ही नहीं क्वेश्चन को बनाना ही नहीं था एग्जामिनर आप लोगों से ये नहीं चाहता एग्जामिनर को क्या मजदूर थोड़ी ना चाहिए आप क्या करोगे नौकरी लेने के बाद मजदूरी करोगे क्या एग्जामिनर को स्मार्ट बनना चाहिए और क्या जो तो स्मार्टली बिल्कुल को क्वेश्चन के कर ले बस बिल्कुल अनुराग साहब सही बात है चलिए राजनीतिक विज्ञान इतिहास और समाजशास्त्र ये जीवन के सामाजिक विचार से संबंधित होते हैं सामाजिकता से संबंधित होते हैं कही ना कहीं।, ना कहीं ना कहीं ठीक है ना ये सामाजिकता से कहीं ना कहीं संबंधित होते हैं जीव विज्ञान एक स्टडी होगी बाकी हम लोगों को कहीं ना कहीं सामाजिकता से संबंधित दिखाता है तो जीव विज्ञान यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ठीक है ना बायोलॉजी इज द राइट आंसर चलिए आप बताएं इसका क्या होगा ये मेरे भाई ये बड़ा सिंपल है और जल्दी से इसे उड़ा देना है ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है और थोड़ा फास्टली आप उड़ा सकते हैं इसको मेरा ख्याल है दिक्कत नहीं होगी किसी को भी सिंपल क्वेश्चन है फास्ट फॉर्मर्ड में उड़ा सकते हैं मेरा ख्याल है जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का रिदम मेरा ख्याल है नाइन्टी नाइन परसेंट कैंडिडेट समझ गए होंगे सिंगल डिजिट हो रहा है है ना सिंगल डिजिट हो रहा है कैसे जैसे वाई की वैल्यू कितनी होती है पच्चीस तो पाँच और दो का कितना हो गया सात ओ की वैल्यू कितनी होती है पंद्रह तो पाँच और एक का हो गया छः जी की वैल्यू कितनी होती है सात सात आ गया एच की आठ होती है तो आठ ही आ गया यू की इक्कीस होती है दो और एक तीन आ गया है ना इसी तरह से आर की अठारह और टी की बीस तो बीस का दो बन जाएगा और इसका नौ बन जाएगा सेम यहाँ पे लगाओ तो फर्स्ट और लास्ट को देखो सत्रह का आठ बनेगा और पच्चीस का सात बनेगा तो आठ और सात आ रहा होगा ये वाला ऑप्शन गया अब देखो आगे तो सब में एक जैसा है पीछे से सेकंड वाला अलग है तो पीछे से सेकेंड वाला पकड़ लेते हैं दो और एक का तीन हो रहा होगा मतलब बी इज द राइट आंसर ठीक है ना जहाँ पे अलग हो वहाँ पे पकड़ो फोर्थ आंसर कर रहे हो आधे तो या शर्म कर लो फोर्थ कहां से आ जाएगा अलग जो था उसको पकड़ो ना एल की वैल्यू बारह दो और एक तीन हो जाएगा बी इज द राइट आंसर फोर्थ कहां से आंसर आ रहा है आदों का जो अलग दिखे उसको पकड़ो ना सेकंड बिल्कुल सही जवाब होगा बी वाला ठीक है इसमें इन मामलों में गलती मत करो यार जो क्वेश्चन आसान है उसको तो उड़ाओ फटाफट से इसमें कितने ट्राइंगल हैं ये फिगर देखते ही आनी चाहिए ये फिगर देखते ही दिमाग में छप जानी चाहिए यार इसमें इतने होते हैं ठीक है ना इसमें तो पता होना चाहिए कितने होते हैं सबसे पहले गिन लो सूखे सूखे ये हो गए आठ ये हो गए आठ ये हो गए सॉरी आठ और ये भी हो गए आठ तो कितने हो गए आठ आठ सोलह आठ चौबीस और चौक बत्तीस बत्तीस तो यही हो गए बत्तीस के बाद मिला के कहाँ बन रहे हैं एक मिला के बन रहा है दो मिला के बन रहा है तीन मिला के बन रहा है चार मिला के बन रहा है पाँच मिला के बन रहा है छः मिला के बन रहा है सात मिला के बन रहा है आठ आठ ही हो गए चालीस और दो बड़े वाले चार बड़े वाले हो रहे हैं बड़े वाले एक बार मैं आप लोगों को गिनवा दूँ जैसे एक इधर और एक इधर दो ठीक है एक इधर और एक इधर चार फोर्टी फोर इज द राइट आंसर आधों का जवाब अड़तालीस आ रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है चवालीस होते हैं मेरे भाई इस फिगर में ध्यान रखना इस फिगर में केवल चौवालिस होते हैं देखो गिन लो एक बार ढंग से कैसे होते हैं चौवालिस इसको याद रख लेना इस फिगर को दो इधर ए और ए दो ये हो गए दो अब सेम इधर की तरफ भी बनेंगे ऐसे ही एक ये वाला और एक नीचे की तरफ फोर्टी फोर इसका सही जवाब होता है फोर्टी फोर इज द राइट आंसर ये जितने चौवालिस अड़तालीस कर रहे हो ना सबका जवाब पूरी तरह गलत है ये नहीं आएगा कभी भी ठीक है चलो इसका जवाब मेरे भाई बताओ इसका क्या होगा गुड इवनिंग मेरे भाई अनिल जी चलो ये जितने 48 वाले थे सब तुक्का लगाने वाले थे महिंद साहब ने बिल्कुल सही बोला ठीक है चलो इसका बताओ मेरे भाई सोलह का छप्पन बनाए इसका क्या बनेगा गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी लोगों को मेरे भाई जल्दी से आंसर कर दें कमेंट बॉक्स में कोई आंसर नहीं आया अब तक जिया जी बोल रहे हैं आई एम नोबिटा डोरी ओ जी हाँ जी नोबिता डोरी मोहन थी आज समझ में आया ओह तो आज खुल गया रास्ते पड़ता जल्दी से आंसर बताओ सब लोग एक सौ बारह आंसर आ रहे हैं ठीक है, है। कैसे बनाए सोलह का छप्पन है ना आठ सात छप्पन होता है सोलह का आधा कितना होता है आठ आठ का गुणा उसके पीवीएस नंबर से कर दिया छप्पन आ गया बत्तीस का आधा कितना होता है सोलह सोलह का गुणा फिर पंद्रह से कर दूँ लेकिन उस पर ऑप्शन में नहीं बन रहा अब ये चीज़ ऑप्शन में तो होगी नहीं आप लोगों के है ना तो वो वाला पैटर्न नहीं तो पंद्रह से नहीं ये काम ही करते हैं सात से रखते हैं कि दोनों का मल्टीप्लाई सात से कर दिया गया तो कितना आएगा सोलह बंजे अस्सी और बत्तीस एक सौ बारह वन वन टू इज़ द राइट आंसर एक सौ बारह ही आ रहा है ऑप्शन में है भी चलो बहुत बढ़िया पूरी क्लास का जवाब सही आ रहा है कपिल भागवत जी का सही जवाब है यहाँ पर है यहाँ पर कपिल भागवत जी हैं वेदांधी जी हैं वंशिता जी हैं सब लोगों का जवाब बिल्कुल सही है बहुत बढ़िया चलो इसका बताओ आज जिम्मी साहब भी यहाँ पे जुड़ चुके हैं हमारे साथ यहाँ पे जिम्मी जी ने बोला था मैं मैडम हूँ लेकिन अब वो आदत में आ चुका है तो जल्दी जल्दी सब लोग मुझे आंसर बताएं ठीक है चलिए हर बात मैं याद रख रहा हूँ आप सबकी और मेहनत ज़रूरी है सब लोगों की मेरे भाई फास्ट फॉरवर्ड में थोड़ा आंसर करें टाइमर बाबू ख़त्म है ये सोचो कि इन दोनों से छः बनाना है तो जवाब मिल जाएगा पंद्रह और तीन का नौ साफ साफ दिख रहा है सर पंद्रह और तीन को जोड़ दो तो अट्ठारह बनता है उसका आधा नौ होता है नौ और तीन को जोड़ दो तो बारह होता है और उसका आधा छः होता है सेम पैटर्न है सत्ताईस और तीन को जोड़ दो तो तीस होता है उसका आधा पंद्रह होता है अब मेरे भाई एक बात बताओ सी एच एस एल में अगर ये क्वेश्चन आता है तो कौन नहीं बना के आएगा पूरी क्लास कर सकती है यार कोई मुश्किल थोड़ी ना है इसका बताएं मेरे भाई अगर हलुए टाइप एग्जामिनर चार क्वेश्चन आपके सामने रखेगा तो सीधे सीधे आपको खाना है और क्या करना है एग्जाम में सारे क्वेश्चन थोड़ी ना मुश्किल आएंगे मगर मुश्किल है तो मैं भी बोलता हूं अगर लॉजिक मुश्किल है तो थोड़ी देर के लिए छोड़ दो स्किप करो नहीं समझ में आ रहा ठीक है लेकिन जो आसान है अब उसको भी स्किप करने की सोचोगे तो फिर करके क्या होगे बताओ मेरे भाई इसका क्या होगा फोर्टी टू का तेईस बन गया वन ट्वेंटी थ्री का क्या बनेगा बताओ अब मेरे भाई आधा तो मैं कर दू इसको अब एक दिमाग में बात आती है बयालीस का आधा कर दो इक्कीस इक्कीस में दो जोड़ दो तेईस हो जाएगा ठीक है नॉर्मल तेईस बनाना है ना ठीक है ना नॉर्मल तेईस बनाना है ठीक है अब वन ट्वेंटी थ्री का आधा नहीं हो सकता तो अपन ऐसा बोल सकता है कि नंबर ऑफ लेटर का मल्टीप्लाई है जितने अच्छर हैं दो अच्छर हैं तो दो तीन अच्छर हैं तो तीन लगाओ तीन से डिवाइड कितना आएगा इकतालीस इकतालीस में दो जोड़ो फोर्टी थ्री इज द राइट आंसर अब वो ऑप्शन में नहीं है वरना ये भी हो सकता था तो एक काम ये करते हैं नंबर ऑफ लेटर ही जोड़ने का लॉजिक लगा देते हैं नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड हुआ नंबर ऑफ लेटर जुड़ गया तो यहां पे सही जवाब क्या हो जाएगा फोर्टी फोर इज द राइट आंसर खत्म बात नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड हुआ नंबर ऑफ लेटर जुड़ गया देखो यहां पे आपको सोचना पड़ेगा कि पेपर के अकॉर्डिंग लॉजिक क्या हो सकता है आपको यही तो करना है ना ऑप्शन से भिड़ाना है और आपका लॉजिक फेयर होना चाहिए यह चीज सबसे पहले अपने दिमाग में रखो अब लगाओ पैंतालीस से सात कैसे बनाओगे अगर मैं पैंतालीस में किसी तरह से चार ला दूं तो उनचास बन जाएगा और उससे सात बन जाएगा अब मेरा दिमाग यहाँ पे चलेगा कि मैं चार कैसे लाऊं ये भी हो सकता है लॉजिक एक ये भी तरीका है या कोई और तरीका भी लग सकता है क्या सोचो अब यहाँ पे कार्तिक जी कल्याण जी जमी जी वेदांता जी कशन साहब पब्लिक टॉक साहब सबका जवाब आ रहा है अब सोचो अब मेरे भाई ये भी एक तरीका था कि 45 में आप चार सोचते और कितना हो जाता है उनचास उनचास इसका स्क्वायर है सात का तो इसी तरह से फिफ्टी थ्री में चार जोड़ते तो वहाँ पे बन रहा है कितना फिफ्टी सेवन अब ये स्क्वायर नहीं बन रहा तो यहाँ पे गाड़ी बिगड़ गई और अगर आप इसका स्क्वायर लेने की जाओगे तो अगला स्क्वायर जो बनेगा वो आपका इसमें ग्यारह जोड़ने बनेगा, 64। 64 से बनेगा चौंसठ और चौंसठ से आठ बनेगा वो ऑप्शन में नहीं है तो अपन लोगों को कुछ और सोचना पड़ेगा तो कुछ और सोच सकते हैं नई नई बातों को जितना दिमाग में रखोगे उतना बढ़िया है पाँचों चार कितना होता है नौ नौ का स्क्वायर कितना होता है इक्यासी इन दोनों का अंतर कितना होता है सात बात समझ में आई देखो फिर समझो पांच और तीन कितना होता है आठ आठ का स्क्वायर कितना चौंसठ इन दोनों का अंतर कितना है दो तो टू इज द राइट आंसर टू बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चार नहीं होगा मेरे भाई अब ये लॉजिक अपने दिमाग में रखना कि यार ऐसा भी सोचा जा सकता है ठीक है ना स्क्वायर के दो तरीके से अपन ने सोचा अपन ने पहले पैंतालीस में चार जोड़ के सोचा वो लॉजिक नहीं बना तो अपन ने यह सोच लिया आप लोगों के पास लॉजिक दिमाग में होनी चाहिए क्वेश्चन को लेकर सबसे पहले जरूरी चीज ये होती है अब पता चलिए आपके पास लॉजिक ही नहीं होंगे तो आप उतना ही सोच पाओगे जितना आपको पता होगा है ना इसमें कितने है स्क्वायर हैं नंबर स्क्वायर कितने हैं बताएं धन्यवाद अनुराग साहब सबसे पहले सूखे सूखे स्क्वायर गिनो सबसे पहले सूखे सूखे स्क्वायर गिनते हैं सूखे सूखे कितने हैं सूखे सूखे में सन्ने स्क्वायर गिनने का तरीका क्या बताया है अब देखो यहां पे आता सबको लेकिन कौन जल्दी सोच पाता है वो देखते हैं सूखे सूखे में गिनते हैं तीन का तीन से गुणा होगा मतलब तीन का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर और एक का स्क्वायर यही तो होता है रो के आखिरी और कॉलम के आखिरी का गुणा होता है तीन गुणा तीन मतलब तीन का स्क्वायर तो नौ नौ और चार तेरह और एक दस मतलब यहाँ वो सॉरी चौदह हैं नौ चार तेरह और एक तेरह और एक चौदह ठीक है डिब्बे में कितने होते हैं सर ने हमेशा बताया डिब्बे में कितने होते हैं डिब्बे में बेटा चार ही हो गया और एक ये बड़ा वाला हो गया पाँच हो गए तो यानी कि इसमें पाँच होंगे और इसमें भी कितने होंगे पाँच होंगे तो दस ही हो गए दस के बाद इस वाले डिब्बों में कितने हैं एक और दो हर जगह यही हाल है एक और दो एक और दो मतलब आठ और हो गए तो आपका जो अभाव आ गया चौदह और दस चौबीस और चार वो चौबीस और आठ बत्तीस थर्टी टू राइट आंसर बत्तीस है पूरी तरह से क्वेश्चन आसान है नॉर्मली देखो और बना लो चले मेरे भाई इसका जवाब बताएं इसका जवाब यहाँ पे क्या होगा अब बड़ी वैल्यू है अगर वैल्यू बड़ी होती है तो आप क्या सोचते हो स्क्वायर क्यों सबसे पहले आपके दिमाग को छूटते ही चल जाना चाहिए यार बड़ी वैल्यू है स्क्वायर क्यूब क्यों छू सकता है लगाओ मेरे भाई दिमाग क्या जवाब जा रहा है अब देखो मैं हिंट भी देता जा रहा हूं पूरा का पूरा लॉजिक के साथ में बड़ी वैल्यू स्क्वायर क्यूब कुछ हो सकता है क्या लग रहा है एग्जामिनर बताए क्या करता है अब उसी बात को तोल मोल के देता है तोल मोल के देता है देखो मेरे भाई स्क्वायर क्यूब कुछ होगा पांच का क्यूब कितना होता है चलो मैं इधर दिखता हूं थोड़ा पांच का क्यूब होता है एक सौ पच्चीस माइनस वन कर दिया तो कितना होगा वन ट्वेंटी फोर उसको उल्टा लिख दिया है फोर ट्वेंटी वन बन गया बात समझ में आई कि नहीं आई सात का क्यूब कितना होता है थ्री फोर थ्री एक कम कर दिया है थ्री फोर्टी टू हो गया इसे उल्टा लिख दिया है टू फोर्टी थ्री इज द राइट आंसर पूरी क्लास का जवाब जो आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है बहुत बढ़िया बहुत शानदार सब लोग इस लॉजिक को देखते ही पहचान गए वेरी गुड यहां पे मतलब ही दुनिया पब्लिक टॉक साहब पूजा जी विन्द्रिका जी अनुका जी कंचन जी टुक टुक साहब वेदांता जी जिम्मी जी आशिका जी सब लोगों का जवाब सही आया है आप लॉजिक को कितना पहचान पा रहे हो बस यही वाली बात है इसका डिक्शनरी ऑर्डर बताना है सी और आर तो सूखा सूखा हट गया है बाद में देखते हैं ई e आई ओ यू ये तो सीधा सीधा है ई e है फिर आई है फिर ओ है फिर यू है तो सीधा सीधा वन टू थ्री फोर ही है सी इज द राइट आंसर इसमें ज्यादा दिमाग या बुद्धि लगाने की जरूरत है ही नहीं इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन में आपको स्पेलिंग बनानी है किसकी स्पेलिंग सही है यह बताना है किसकी स्पेलिंग सही है यह बताएं किसकी स्पेलिंग बन रही है यहां पे स्पेलिंग बनाता हूं तो किसकी बनेगी ए ई आर एम और ए यह कोई वर्ड नहीं हुआ इसकी देखते हैं बी ई आर एम ए ये भी कोई वर्ड नहीं हुआ इसकी देखते हैं एफ ए सी ई ये भी कोई वर्ड नहीं हुआ इसकी देखते हैं एल ओ वी ई हाँ ये वर्ड बनना है मतलब पहला वाला सही है प्यार लव लव होता है ना आज की डेट में वो प्राय प्यार हुआ इकरार हुआ है वो वाला ही है वो वाला प्यार जा रहा है मेरे भाई इसका बताएं हाँ हाँ सबका लव दिख गया बहुत सही है बहुत तेज अब इसका आंसर बताओ सब लोग मेरे भाई इसका क्या होगा इसमें कितने ट्राइंगल हैं आज एक बच्चे ने टेलीग्राम में पूछा भी था इस टाइप का कुछ क्वेश्चन बताएं टाइमर बाबू खत्म नंबर ऑफ ट्राइंगल इसमें कितने हैं अरे बस बस कंट्रोल करो हो गया अल्लाह खत्म आंसर दो अब इसका सबसे पहले ट्राइंगल गिनने शुरू करते हैं सूखे सूखे में कितने हैं सूखे सूखे में इसमें तीन हो जाएंगे इसको मैं यहाँ तक का बड़ा लेके चल रहा हूँ सर तो इसमें भी तीन हो जाएंगे और इसको मैं यहाँ तक का बड़ा लेके चल रहा हूँ सर तो इसमें भी कितने हो जाएंगे तीन हो जाएंगे तीन तीन छः और तीन नौ नौ के बाद देखते हैं क्योंकि अभी तक तो अपन ने बड़े बड़े गिने हैं बस ठीक है नौ के बाद अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक का तो एक बनेगा सर दस यहाँ से यहाँ तक का ही बनेगा एक ग्यारह क्योंकि आप तो पूरा लेके बैठे हैं नीचे तक का है ना जब आपने ये तीन गिना था तो पूरा बैकग्राउंड गिना था देखो प्रैक्टिकल सोचो जब मैंने ये तीन गिना था तो पूरा बैकग्राउंड गिना था ना लेकिन यहाँ से यहाँ तक का तो एक होगा हो ही होगा तो नौ के बाद ये दस यहाँ से यहाँ तक का ग्यारह ये यहाँ से यहाँ तक का बारह और यहाँ से यहाँ तक का तेरह ठीक है अब मैं इन दोनों को मिला दूँ तो बन जाएगा एक चौदह और इन दोनों को मिला दूँ तो एक बन जाएगा कितना पंद्रह फिफ्टीन बिल्कुल सही जवाब होगा थर्टीन इज़ द रॉन्ग आंसर ठीक है फिफ्टीन इज़ द राइट आंसर पंद्रह बिल्कुल सही जवाब है तो इन दोनों को मिलाओगे तो भी बनेगा कि अपन ने जो नौ लिए हैं वो पूरे बड़े में लिए हैं लेकिन छोटे छोटे के पेयर वाले रह गए तो चौदह और पंद्रह इज द राइट आंसर क्लियर है मेरे भाई नहीं होगा जी हा कार्तिक साहब टेलीग्राम क्वेश्चन में दोनों कॉर्नर में सही नहीं था वो वाली बात आपकी बिल्कुल सही है तो टेलीग्राम में आज एक बच्चे ने पूछा था चलिए इसका बताएं मेरे भाई इसका जवाब क्या होगा कोशिश मैं ये करता हूं कि आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ रख लूँ यहां पर बताएं मेरे भाई अभी सुपर भयंकर वाले और सुपर धांसू क्वेश्चन आने बाकी हैं कट गया कोई बात नहीं है मेरे भाई इसका बताओ बहुत सिंपल है देखो यहाँ पे वैल्यू क्या है दस से छोटी है जब भी वैल्यू छोटी हो तो वहाँ पे एक बात ध्यान रखना सिंगल डिजिट का कॉन्सेप्ट सबसे पहले बना लेना सिंगल डिजिट मतलब छः और सात को जोड़ो तो कितना होता है तेरह और इसको अगेन जोड़ो तो चार हो गया नौ और छः को जोड़ो कितना होता है पंद्रह पाँच और एक को फिर जोड़ो तो छः हो गया सेम कंडीशन इन दोनों को जोड़ो तो छः और इन दोनों को अगेन जोड़ो तो सात हो गया सेवन इज द राइट right आंसर सात बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बहुत आसान सा क्वेश्चन है सिंगल डिजिट देखते ही फटाफट से आंसर उड़ा दो कपड़ा मिल में छपता है समाचार पत्र कहाँ पे छपते हैं संपादक के छपते हैं संपादक सर वो संपादक की जगह थोड़ी ना होती है वो छापेगा वो अलग बात है जैसे कपड़ा मिल उसका अधिकारी छापेगा रीडर छापता है नहीं कागज़ छापता है नहीं कागज पे छपता है सर जैसे कपड़ा सूती कपड़े पे छपता है या किसी पे भी छपता है ठीक है ना प्रेस इज द राइट आंसर प्रेस बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा समाचार पत्र प्रेस में छपता है लगाएं इसका दिमाग क्या होगा मेरे भाई इसका बताया क्या होगा आठ का बारह है छह का क्या होगा बहुत सिंपल लॉजिक है जल्दी फाइंड आउट कर लोगे मेरे भाई आठ में चार जोड़ दो तो बारह हो गया आठों चार बारह छः में चार जोड़ दो तो दस हो गया एक लॉजिक तो ये है लेकिन दस ऑप्शन में नहीं है आप कुछ और सोचते हैं क्योंकि दस ऑप्शन में है नहीं ठीक है आठ प्लस आठ का आधा जोड़ दू तो आठों चार बारह हो जाएगा तो छः प्लस छः का आधा कितना होता है छ और तीन नौ तो नाइन इज़ द राइट आंसर ये भी एक लॉजिक है लेकिन ऑप्शन में नहीं है आप कुछ और सोचते हैं फिर तो कुछ और आठ का दुगना सोलह सोलह में से चार गए तो कितना आया बारह छः दुनी बारह बारह में से चार गए तो कितना आया आठ एट इज द राइट आंसर ठीक है देखो मैंने कई सारे जो भी जो भी पेपर में लॉजिक हो सकते हैं मैंने वो भी रखे हैं आपके सामने अब आप मेरे भाई इसमें कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं देख के बताएं और जो भी लोग मोर देन ट्वेंटी बोलने की कोशिश करें तो एक बार देख लें ध्यान से ऐसा ना हो कि अब देखो ये वाला ट्राइंगल होगा क्या सोच के बताना ये वाला ट्राइंगल होगा क्या सोच के बताना सब लोग बताएं कितने दिख रहे हैं गुड इवनिंग मेरे भाई पंकज साहब महेंद्र जी गुड इवनिंग दीना जी भी पूछ रही हैं बहुत सही है देखो यहाँ पे सबसे पहले सूखे सूखे वाले गिनो एक और दो इन दोनों को मिला के कितने होंगे तीन एक और दो इन दोनों को मिला के भी कितने होंगे तीन तीन और तीन छह दिख गए होंगे पूरी क्लास को ठीक है ना छह दिख गए यहाँ पे हुआ सात ये छुटकू वाला दिख रहा होगा और इस छुटकू को अगर आगे तक बढ़ा दूं तो आठ सही है और अगर इस छुटकू को यहां तक ले जाऊं यहाँ तक तो ये हो गया नौ और इस छुटकू को अगर थोड़ा सा और आगे तक ले जाऊँ यहाँ तक तो ये हो गया दस ठीक है ठीक है सर सेम इसी रिदम पर चलते हैं ये ग्यारह इन दोनों को मिलाया तो बारह इस छुटकू को यहाँ तक ले गया तो तेरह इस छुटकू को और आगे तक ले गया तो चौदह चौदह दिख गए ठीक है सर चौदह के बाद देखते हैं इन दोनों को मिला दो तो पंद्रह इन दोनों को मिला दो तो सोलह इस फिगर को आगे तक ले जाओ सत्रह इस फिगर को आगे तक ले जाओ 18 ये हो गया उन्नीस यहाँ से यहाँ तक का अगर मैं इस फिगर को नीचे तक ले जाऊँ तो ये हो गया कितना बीस सही है अब ये एक बड़ा वाला भी बन जाएगा इधर इक्कीस और जैसे 21 right dancer, right dancer, right dancer, ही इक्कीस दिख गए मोर देन ट्वेंटी इज द राइट आंसर मोर देन ट्वेंटी इज द सही जवाब हो जाएगा ठीक है ना मोर देन बी सी है मेरे भाई मोर देन बी सी है इसका आप लोग मुझे फाइंड आउट करके बताना कितनी है क्योंकि एक ही क्वेश्चन पे टाइम नहीं लगा रहे पेपर में आएगा तो मैं इतना ही टाइम दूंगा ऑब्वियस सी बात है पेपर में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है आप लोगों को इतना ही टाइम दो बहुत है ठीक है ना नॉर्मली फिर बाद में अपन आराम से भी गिनेंगे लेकिन पहले पेपर के अप्रोच के हिसाब से क्वेश्चन करते हैं अभी ठीक है ना चले मेरे भाई आप बताएं इसका जवाब क्या होगा सोचो देखो टाइमर देने का आप लोगों को पर्पस ही ये होता है कि आप लोग सोच पाओ तो टाइमर तो खत्म हो गया है तो बताओ क्या होगा आप लोगों को मैंने कुछ बातें सिखाई हैं जब भी 16 आता है तो किसका पेयर बनाओगे आठ या चार का 12 आएगा तो छह या तीन का इक्कीस आएगा तो सात या तीन का 18 आएगा तो छह या तीन का 15 आएगा तो पांच या तीन का ये नॉर्मल बातें हैं जो लगभग लगभग क्लास को बताएं तो पहले एक बार देख लेते हैं इसमें हैं कितने एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस अब मेरे भाई यहाँ पे बीस हैं तो बीस आने पे किसका पेयर बन सकता है पाँच का या चार का सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू को पेयर बनाया करो सबसे पहले किसको बनाया करो मैक्सिमम वैल्यू को पेयर बनाया करो क्योंकि उससे फ़ायदा होता है ठीक है ना एक दो तीन चार पाँच अब देखो मेरे भाई अगर मैं पाँच का पेयर बनाता हूँ तो ए डी बी ठीक है ए डी बी और फिर एक खाली है मतलब सी ए ये दिख रहा है सी ए तो मेरे भाई हर जगह लग रहा है क्या ए डी बी सी ए ए डी बी सी ए ए डी बी सी ए हाँ बन रहा है तो डी सी बी ए ए सी बनेगा अब डी सी बी ए सी कहाँ है मतलब यहाँ पर है सी इज़ द राइट आंसर ठीक है ना बहुत बढ़िया तो पूरी क्लास लगभग लगभग बातों को समझ भी रही है आंसर भी कर रही है ये बहुत बढ़िया चीज़ है मेरे भाई बहुत बढ़िया बहुत, बहुत शानदार इसका बताएं चित्रकार के पास जो होता है वो तुलिका होती है मतलब पेंट ब्रश बोलते हैं इसको तो बताइए फार्मर के पास क्या होता है रंग होता है फसल होती है कटाई होती है हल होता है ये उसका औजार है जिससे वो काम करता है तो फार्मर का औजार उसका हल होता है आज की डेट में वो ट्रैक्टर वगैरह का भी यूज़ करते हैं तो वो होता है तो वो भी बन सकता था इसमें कितने ट्राइंगल हैं बताइएगा सोच के यहाँ पे एक अंतर ये कराए ये लाइन आगे तक नहीं है ये लाइन आगे तक नहीं है मैंने पहले ही बोल दिया सोच के बताना ठीक है ना जटा कटा समल निर्झरी निरो हाँ देखो रमेश जी ने जो है वो उसका डायलॉग दिया है किसका अरे मूवी थी ना बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा अरे नहीं नहीं कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा यू नो कटप्पा जी ने बाहुबली को क्यों मारा तो बाहुबली मूवी का डायलॉग यहाँ पे दिया है बहुत सही सही बात है ठीक है रमेश साहब चलिए अभी फ़िलहाल इसका जवाब बताएं क्या होगा नमस्कार नमस्कार रमेश साहब बस बस मैंने आपका श्लोक पढ़ लिया फ़िलहाल क्वेश्चन पे आंसर कराओ सब लोग पहला सूखा सूखा कॉन्सेप्ट पहनो छः धुनी बारह इसमें कितना है तीन बारह और तीन कितना हो गया पंद्रह अब ये हो गया सोलह अब अगर मैं बात करता हूँ तो मिला के ये वाला नहीं बन पाएगा क्यों नहीं बन पाएगा क्योंकि लाइन नहीं है इधर की तरफ वरना ये एक लाइन होती तो ये मिला के इधर की तरफ बन जाता इधर की तरफ लेकिन लाइन है तो ये बन जाएगा एक सत्रह और एक ये बन जाएगा अठारह तो सही जवाब कितना है एट्टीन इज द राइट आंसर अठारह है ठीक है ना अठारह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बीस नहीं हो पाएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सॉरी रीना जी सही दिखे आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बताएं मेरे भाई इस क्वेश्चन को सभी लोग बस एक मात्र बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना ईयर जून जून एक महीना है जो कि एक साल में बढ़ता है ठीक है मतलब यहाँ पे बड़ी वैल्यू है यहाँ पे एक छोटी वैल्यू है ठीक है अप्रैल में मंथ मन्त? नहीं मंथ एक अप्रैल है ये नहीं आएगा वीक में कैलेंडर नहीं ये बड़ी वैल्यू है ये छोटी वैल्यू है ठीक है ना कैलेंडर में वीक पड़ता है ये भी नहीं आएगा ईयर में सेंचुरी नहीं पड़ती सेंचुरी में ईयर पड़ता है तो यानी कि ये भी नहीं आएगा मतलब सही जवाब क्या होगा फर्स्ट इज द राइट आंसर वीक में डे आते हैं और डे में क्या आता है थर्सडे आता है वीक में डे आते हैं और डे में थर्सडे आता है यहाँ पे ये है ना ईयर में एक फिगर आती है मंथ और मंथ में क्या आता है एक जून आता है तो यानी कि एक फिगर का गैप दे के इन्होंने दिया है इसी तरह से वीक में क्या आते हैं डे आते हैं और डे में कैसा आता है थर्सडे आता है तो एक का गैप दे के लिया है ठीक है चलो हाँ अच्छा अच्छा सही है सब लोगों का वॉइस मुझे जो है नहीं आए थे नहीं नहीं सब लोगों ने सही जवाब कराया बहुत बढ़िया चलो आ, फ्यूल लिक्विड और डीजल कैसी फिगर बनेगी ए बी सी या डी बताए मेरे भाई कैसी फिगर बनेगी ए बी सी या डी डीजल एक फ्यूल भी है ईधन भी है और डीजल जो होता है वो लिक्विड भी है तो यहाँ पे सही जो है बी बनेगा डीजल फ्यूल भी है और डीजल लिक्विड भी है लेकिन हर ईंधन लिक्विड नहीं होता और हर लिक्विड ईधन नहीं होता है ना तो बी इज द राइट आंसर डी वाला नहीं होगा मेरे भाई बी होगा ये लो सी आंसर आ रहा है बहुत सही बहुत बढ़िया सब एक नंबर हो मेरे भाई बहुत तेज हो बी होगा बी इज द राइट आंसर सी वालों का सबका जवाब गलत है सी और डी वैन डायग्राम में गलती कर लो बहुत सही कर रहे हो वेरी गुड बहुत शानदार अरे तो ये ताली बजाऊंगा मैं तुमने क्या सोचा था सरदार खुश होगा शाबाशी देगा गलत करोगे चलो इसका सही करना सब लोग ध्यान से देखो मेरे भाई सोच के देख रहे हो मेरे भाई यहां पे लगता है कि डबल हो रहा है देखो इसको ध्यान से देखो एम की वैल्यू तेरह होती है तेरह का दुगना छब्बीस हो गया ए की वैल्यू एक होती है तो ऐसा लग रहा है कि वॉविल का चेंज नहीं हुआ की वही वैल्यू रह गई है एस की वैल्यू उन्नीस होती है उन्नीस का दुगना हो गया टी की वैल्यू बीस होती है बीस का दुगना हो गया ई e की वैल्यू पंद्रह होती है और यहां पे पांच होती है और यहां पे पच्चीस हो गया मतलब वॉविल में तो हुआ है स्क्वायर और अगर कॉन्सोनेंट की बात कर रहा हूं तो वहां पर डबल हुआ है समझ में आई व्यक्त क्या हुआ है अट्ठारह का कितना हो गया छत्तीस हो गया तो यानी कि इसका एक होगा दो होगा और यहां पे एक होगा दो का कितना हो जाएगा चार मतलब सीधा सीधा है ए वाला ऑप्शन ही मिल गया बात ख़त्म हो गई ठीक है ए वाला ऑप्शन ही मिल गया बात खत्म हो गई पूरा ना सॉल्व करेंगे बात खत्म हो गई लॉजिक मैंने ऊपर बता ही दिया आप लोगों को इसमें कितने ट्राइंगल हैं बताए मेरे भाई पूरी क्लास का बिल्कुल सही आया है इसका क्या होगा सर पेट्रोल की जगह डीजल डाल सकते हैं क्या देखो मेरे भाई यहाँ पे वैसे ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं बार बार याद ना दिलाओ या पढ़ाई कर लो सबके साथ सब। है ना अभी अपन लोग चले चलेंगे कहीं पे इंडिया गेट पे वो बैठे होंगे धन्य पे लेकिन पहले पढ़ लेते हैं अभी ठीक है चलो साथ में नंबर ऑफ ट्राइंगल देखते हैं कितने हैं इसमें कितने हैं तीन सूखे सूखे वाले निपटाओ तीन ये वाला तीन ऐसा वाला है बड़ी फिगर का है ना ये समझते हो अब यही बड़ी फिगर का यहाँ तक आ गया तो तीन और यही बड़ी फिगर का यहाँ तक आ गया तीन तो कितने हो गए बारह इस बड़ी फिगर का यहाँ तक ले लो तीन और इस बड़ी फिगर का यहाँ तक ले लो तीन तो ये हो गए छः बारह और छः अठारह इस बड़ी फिगर का ले लो तीन इस बड़ी फिगर का ले लो तीन और इस बड़ी फिगर का ले लो तीन तो नौ बाकी कोई हिडन तो बन नहीं पाएगा तो बारह और छः अठारह और नौ सत्ताईस ट्वेंटी सेवन ही है सत्ताईस द राइट आंसर हिडन फिगर कोई है ही नहीं हिडन फिगर कहाँ से बना लोगे अर्चना जी हिडन फिगर नहीं है मेरे भाई कोई भी पच्चीस को छह सौ बोला गया है किसको क्या बोला जाएगा सबसे आसान क्वेश्चन है आज की क्लास का मेरा ख्याल है पूरी क्लास दबा के एकदम से आंसर कर देगी टक से ठीक है ना जैसे अभी वाले क्वेश्चन का आया वैसे इसका आंसर आ सकता है पच्चीस को छो सौ कैसे बोलोगे फटाफट बताओ पच्चीस का स्क्वायर छः सौ पच्चीस माइनस पच्चीस छः सौ साफ साफ दिख रहा है सोलह के स्क्वायर में से माइनस करके नहीं है अठारह का स्क्वायर में कितना होता है तीन सौ चौबीस उसमें से अठारह माइनस कर दो तीन बन जाएगा यानी कि यहाँ पे सही जवाब जो हो जाएगा वो मेरे भाई अट्ठारह वाले ही है अठारह वाला इज़ द राइट आंसर अगला बताएं अगला क्या होगा मेरे भाई चलिए इसमें क्या होगा अभिषेक गुर्जर सुंदर लाल आर्जू ब्रवीण पब्लिक टॉक साहब रीमा जी विजय जी ऋतु जी बहुत बढ़िया यहाँ पे अंकित राणा साहब भी जुड़े हुए हैं ठीक है टेके? चलो बहुत बढ़िया इसका बताएं मेरे भाई इसका क्या होगा इसका जवाब यहाँ पे क्या है बताएं अब देखो यहाँ पे सबसे पहले बड़ी वैल्यू बनानी होती है ना बड़ी वैल्यू सोचो बड़ी वैल्यू कैसे आएगी सर बड़ी वैल्यू है सर इसका मल्टीप्लाई हमने पढ़ा तो है कि तेरह का नौ गुना होता है अब तेरह कैसे आएगा तभी दिमाग में ये वाली बात आई मल्टीप्लाई याद होनी चाहिए बस तेरह कैसे आएगा तो अगर मैं सात और छः को जोड़ दूँ तो तेरह आ जाएगा हाँ आ जाएगा गुरु जी और तीन को जोड़ दूँ तो नौ आ जाएगा आ जाएगा गुरु तो इन दोनों का मल्टीप्लाई है सेम पैटर्न यहाँ पर लगा के देखते हैं दो और चार का टोटल कितना होता है छः तीन और एक का टोटल कितना होता है चार छः चक् चौबीस तो बस पाँच और सात को जोड़ दो सात और पाँच बारह आठ और तीन को जोड़ दो आठ और तीन कितना होता है ग्यारह बारह गुना ग्यारह एक सौ बत्तीस वन थर्टी टू इज द राइट आंसर क्लियर है ए पूरी तरह से सही जवाब आएगा बहुत बढ़िया पूरी क्लास का जवाब सही है इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए वापसी की टिकट भी है यात्रा की व्यवस्था भी है होटल में भी ठहर रहे हो घूमने भी जा रहे हो और डेस्टिनेशन में भी पहुँच रहे हो इसका सही ऑर्डर क्या बनेगा यहाँ पे 122 पूरी क्लास का जवाब बिल्कुल सही आया है बहुत बढ़िया बहुत शानदार इसका सही ऑर्डर बताना है क्या होगा बताएं देखो सबसे पहले आप यहाँ पे अपने लिए ट्रैवल का अरेंजमेंट करोगे सबसे पहले बेसिक समझना मतलब ये दोनों तो सूखे सूखे चले गए और बाप लास्ट में क्या करोगे और उसके बाद अपने डेस्टिनेशन में पहुँचोगे ठीक है ना अपनी डेस्टिनेशन में पहुँचोगे तो यानी कि सही ऑर्डर क्या होगा ए होगा पहले आप ट्रैवल करोगे फिर उसके बाद अपने डेस्टिनेशन पहुँचोगे फिर उसके बाद होटल में रहोगे सड़क पर सीधे घूमने तो जाओगे नहीं फिर घूमने जाओगे और उसके बाद रिटर्न आ जाओगे तो यहाँ पे सही ऑर्डर क्या होगा ए होगा ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्लियर है मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा यहाँ पे जिम्मी साहब पब्लिक टॉक साहब अनिल जी अभिजीत जी हृदय जी कार्तिक जी राजेंद्र जी अंकित राणा कपिल आरतिक सौरभ साहब मंद्रीपाल जी सब लोगों का जवाब बहुत बढ़िया आ रहा है वेरी गुड बहुत शानदार इसमें कितनी लाइन है अब देखो इसमें फंस गए सब लोग सब लोगों का आंसर यहाँ पे जो दस आ रहा है ना वो मेरे भाई गलत है मिनिमम लाइन के बारे में एक बात बोली गई है यहाँ पे एग्जामिनर ने ये नहीं बोला कितनी स्ट्रेट लाइन है या कितनी कर्ड लाइन है दोनों ही होती तो लाइन है ना तो मेरे भाई यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे एक दिखी दो दिखी और तीन दिखी ठीक है तीन ही हो गई ठीक है तीन के बाद क्योंकि ये पूरी जाएगी लंबी ये चार ये पाँच ये छः ये सात ये आठ ये नौ और ये हो गई आपकी दस दस के बाद मेरे भाई ये भी तो लाइन है ये भी तो लाइन है तो इसका सही जवाब क्या होगा ग्यारह होगा ग्यारह बिल्कुल सही जवाब होगा कव्ड लाइन भी लाइन ही होती है ठीक है ना कव्ड लाइन इज ऑल्सो अ लाइन यहाँ पे टेन वालों का सबका पत्ता कटेगा ग्यारह वाले जिंदाबाद बहुत बढ़िया बहुत शानदार वेरी गुड मेरे भाई ठीक है चलो इसमें बताएं इसका जवाब यहां पे क्या होगा स्लॉग का छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कुछ बच्चे चतुर हैं अच्छा अरे आज की डेट में सारे बच्चे चतुर हैं और सारे बच्चे ईमानदार हैं अच्छा ओके कुछ ईमानदार बच्चे हैं वो तो ऑलरेडी गिवन ही है कुछ ईमानदार बच्चे हैं कुछ ईमानदार बच्चे हैं हाँ वो तो है ही ऑलरेडी वो भी गेवेन है कुछ इम, कुछ चतुर ईमानदार है ये भी सही है ऑल फॉलो इज द राइट आंसर सभी फॉलो कर रहा है बोथ की कोई जरूरत नहीं है ऑल फॉलो है ना बोथ तो दो के लिए होता है मेरे भाई ऑल फॉलो गुप्ता जी आपको सुन लिया मेरे भाई बताओ क्या दिक्कत है बताओ गुप्ता जी सुन लिया गुप्ता जी क्या हो गया कोई बात कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं इसमें बताओ पच्चीस सत्ताईस चौबीस छब्बीस बताएं मेरे भाई नंबर ऑफ ट्राइंगल इसमें कितने हैं यहाँ पे कृष्णा जी पब्लिक टॉक साहब संध्या जी अर्पिता जी गुड़िया जी कपिल भागवत नंद्या जी ओके अर्पिता जी सब लोग का जवाब आ रहा है बहुत बढ़िया बहुत शानदार वेरी गुड प्रभात जी बोल रहे हैं आप कहाँ से हैं सर क्या करोगे जान सब के सबके सब आंसर दो सब लोग दिमाग लगाओ उधर चलो इधर इसमें तीन इसमें है तीन इसमें है तीन इसमें है और तीन इसमें है कितने हो गए तीन और तीन छीन नौ और तीन, तीन बारह इधर की तरफ देखो तीन इसमें है तीन इसमें है और तीन इसमें है कितने हो गए ये नौ तो बारह और नौ हो गए इक्कीस इक्कीस के बाद देखते हैं सूखा सूखा गिन रहे हैं पहले ये बाईस है ना ये तेईस और ये हो गया चौबीस अब ये तो ट्राइंगल है नहीं ये तो इतनी बड़ी जगह है और ये भी ट्राइंगल नहीं होगा ये भी जगह है तो चौबीस तो सूखे सूखे दिख गए और उसके बाद एक ये बड़ा वाला बोल सकते हैं कि नहीं हाँ सर बोल सकते हैं ये बड़ा वाला भी ये देखो दोनों को मिला के बड़ा वाला तो कितने हैं पच्चीस बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पच्चीस इज द राइट आंसर चौबीस दिख रहे हैं यहाँों को मेरे भाई चौबीस वालों को ये नहीं दिखा होगा और छब्बीस वालों ने एक दो ज़्यादा देख लिए होंगे ठीक है ना तो पच्चीस इसका बिल्कुल सही जवाब होगा पच्चीस इज़ द राइट आंसर हाँ मेरे भाई डेली क्लास होता है देखो ये लिखा है ये रहा टेलीग्राम का नाम कुलदीप महिंद्रा रीजनिंग येरा क्लास का टाइमिंग डेली साढ़े आठ बजे ठीक है ना सब मोह माया है गणेश साहब बोल रहे हैं सही बात है भाई बताएं पच्ची चमकादड़ वेल क्या जवाब होगा पच्ची चमकादड़ वेल क्या जवाब होगा मेरे भाई एक तो पच्ची है एक चमकादड़ और एक वेल है बताएं इसका सही जवाब क्या है पच्ची है चमकादड़ और वेल भी है तो मेरे भाई भले ही बैट और जो वेल है उसको हम मैमल बोलते हैं ये दोनों मैमल होते हैं लेकिन हैं तो तीनों अलग ही ना बर्ड अलग है बैट अलग है वेल अलग है अब ऐसा तो है नहीं कुछ वेल जो है वो चमकादड़ की तरह उड़ जाती हैं ये देखो सी आंसर आ रहा है बताओ ऐसी कौन सी वेल है जो चमकादड़ की तरह उड़ जाती है उड़ा लोगे मेरे भाई सी बिल डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सब अलग है बी आ रहा है आधों का ये देखो मेरे भाई मैमल होता तो दोनों दूसरे के अंदर आ जाते मैमल थोड़ी ना दिया है एग्जाम्पल आपकी इन्हीं वीकनेस का फ़ायदा उठाता है उसको अच्छी तरह से बताया बच्चा बैठ को और वेल को देखेगा अरे ये तो मैमल है मैमल है मैमल है मेरे भाई कौन सी चमकादड़ वेल की तरह उड़ जाएगी या पानी में तैरा लोगे जबरदस्ती उठा के तैरा देंगे ए, बहुत कलाकार हो सबके सब चलो बताओ इसमें क्या होगा यहां पे इसमें सूखा सूखा कहूँ जब भी इस टाइप का आप लोगों का आता है हमेशा कितनी होती है इसमें पांच होते हैं एक बेसिक सिद्धांत है हमेशा पांच होते हैं एक दो तीन चार और एक पूरा बड़ा कितने होते हैं इसमें पांच पांच हो गए ये छः ये सात ये आठ ये नौ और ये दस और एक बड़ा वाला कितने का ग्यारह का ये पूरा बड़ा है ना बस इलेवन इजा राइट आंसर ग्यारह है ग्यारह के अलावा एक ज़्यादा नहीं है और एक कम नहीं होगा चार को उनचास बोला गया है किसका किससे क्या रिलेशन है बताएं फोर इज कॉल्ड फोर्टी नाइन किसका क्या बताओ मेरे भाई यहाँ पे उपासना जी अंकित राणा जी पब्लिक टॉक साहब कल्याण जी संध्या जी सूरज जी अभिषेक जी अनिल जी दीपाली जी मंदिर जी सब लोगों का जवाब बहुत बढ़िया आ रहा है वेरी गुड बहुत शानदार इसका जवाब बताएं चार को उनचास बोला गया है किसको क्या बोलोगे अब उनचास किसका स्क्वायर होता है सात का स्क्वायर होता है तो सीधा साधा लॉजिक है दिमाग लगा लोगे सीधे सीधे कैसे लगाओगे पेपर में क्या करोगे जल्दी आंसर बताओ सर कितने बजे से क्लास चलती है अविनाश साहब डेली क्लास साढ़े आठ बजे चलती है बेटा चार में तीन जोड़ोगे सात बन जाएगा सात का स्क्वायर उनचास हो गया इसी तरह से पहला वाला ऑप्शन ही साफ साफ दिख रहा है सात में तीन जोड़ोगे दस हो जाएगा दस का स्क्वायर कितना हो गया सौ हो गया यही सही जवाब हो गया बात ख़त्म हो गई है ना ज़्यादा सोचना ही नहीं है इसमें नंबर और ट्राइंगल बनाए कितने होंगे बताओ मेरे भाई गिनो कितने दिख रहे हैं इकतीस होंगे तो बत्तीस और मोर वाला सही जवाब नहीं होगा और तीस होंगे तो अभी बत्तीस और मोर वाला सही जवाब नहीं होगा अब गिन के सोच के बताना कितनी है मेरे भाई मैंने टेली यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल बिल्कुल अरे मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा उसमें पी वी एस ईयर के पेपर भी पड़े हुए हैं आप लोगों के एम टी एस और सी एच एस एल के आप लोग वो भी डाउनलोड करके देख लेना टेलीग्राम का नाम ये है कुलदीप महिंद्रास रीजनिंग इसमें ज्वाइन हो जाना उसमें पेपर ऊपर की तरफ पिन करे हुए हैं ये वाले ठीक है ना एम वाले पेपर पिन करे हुए हैं और सी के भी अपलोडेड हैं तो एक बार पहले इसको लगाओगे उसके बाद ही अगला पी आएगा पहले उसको लगाओगे उसके बाद ही अगला पीडीएफ अपलोड होगा उससे पहले कुछ अपलोड नहीं होने वाला ठीक है ना चलो एक सेकेंड मेरे भाई पहले इसमें देखते हैं एक दो तीन चार पाँच छः कितना हो गया बारह इसमें कितना है आठ बारह और आठ बीस यहाँ पे कितना है तीन और यहाँ पे कितना है तीन बारह और आठ बीस और छः कितना होता है सही बारह और आठ बीस और छः छब्बीस छब्बीस हो गया छब्बीस के बाद सत्ताईस और ये अट्ठाईस अट्ठाईस हो गए अट्ठाईस के बाद देखते हैं अट्ठाईस के बाद तो सीधे सीधे चार दिख ही रहे हैं इन दोनों को मिला दो उनतीस हो जाएगा इन दोनों को मिला दो तीस हो जाएगा इन दोनों को मिला दो इकतीस हो जाएगा और इन दोनों को मिला दो तो बत्तीस हो जाएगा थर्टी टू तो यही हो गए उसके बाद इधर की तरफ इसको मिलाओगे तो तैतीस हो जाएगा इधर की तरफ वाले को मिलाओगे तो थर्टी थ्री फोर हो जाएगा तो थर्टी टू और मोर इज़ द राइट आंसर बत्तीस प्लस ही जाना है ठीक है ना बत्तीस प्लस ही है पूरी क्लास का जवाब सही आ रहा है इसका जवाब बताएं मेरे भाई इसका क्या होगा हाँ राधा जी बिल्कुल बिल्कुल अगले संडे हिंदी की क्लास लेके आ रहा हूँ मैं पहले ही बता दूँ इसका बताए मेरे भाई इसका यहां पे क्या है इसका जो सोचिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है नॉर्मल है बन सकता है ऐसा कोई मुश्किल नहीं है सीधा साधा क्वेश्चन है देखते ही बना लोगे यार चलो धन्यवाद आदित्य जी आदित्य जी ने बड़ी अच्छी बात कही है चलिए इसमें देखते हैं यहां पे क्या होगा यहाँ पे इन सभी वैल्यू से ये वाली वैल्यू बनेगी इन सभी वैल्यू से ये वाली वैल्यू बनेगी और इन सभी वैल्यू से आंसर बनेगा तो अब यहाँ पे 16 बनाना है और देखो ये सभी नंबर क्या है ईवन है थोड़ा सा दिमाग दौड़ाया करो सारे नंबर ईवन है इतफाक जैसी चीज़ पेपरों में नहीं होती ठीक है ना इतफाक जैसी चीज़ पेपरों में नहीं होती सारे नंबर ईवन है तो मेरे भाई थोड़ा सा लॉजिक लगा लो सबको जोड़ दो अगर ईवन है मतलब दो का गुणा होगा पाँच छः सात आठ आठ का दुगना सोलह हो गया छः और चार दस और तीन तेरह तेरह दुनी छब्बीस हो गया पाँच और तीन आठ और तीन ग्यारह ग्यारह दुनी बाईस हो गया ट्वेंटी टू इज द राइट आंसर बाईस लोगों का भी जवाब आ रहा है उनका जवाब सही है पूरी क्लास लगभग लगभग बिल्कुल सही जवाब दे रही है और शानदार कर रही है बहुत बढ़िया वेरी गुड इसमें दिमाग लगाएं ठीक है अब इस क्वेश्चन को अपन लोगों का होमवर्क बना लेते हैं अब सबसे पहली बात ये है टेलीग्राम का नाम कुलदीप महिद्रास रीजनिंग अब मैं जो काम की बात बोलूँगा उसको आप लोग पहले ध्यान से सुनेंगे सब लोग सेशन में जितने हो ठीक है ना इस पे आप लोगों के एम और सी एच एस एल के पी वी एस ईयर के पेपर पड़े हुए हैं जो अपलोडेड हैं इस वक्त ठीक है ना जो अपलोडेड हैं सी एच एस एल और एम टी एस के पी वी एस ईयर पेपर बहुत सारे बच्चे पी वी एस ईयर पेपर की डिमांड करते हो तो पी वी एस ईयर पेपर इस पर पे अपलोड है ऑलरेडी तो आप लोग सबसे पहले एक काम ये करोगे उसको डाउनलोड करोगे पूरा पेपर जो एग्ज़ाम में आया था और उसकी प्रैक्टिस करोगे ठीक है ना उसके बाद आपके नेक्स्ट पेपर बाद में अपलोड होंगे ये नहीं है कल ही अपलोड हो जाएंगे ठीक है ना पहले पूरा पेपर लगाओ ईमानदारी से पहले पूरा पेपर लगाओगे उसके बाद सॉल्व होगा उससे पहले नहीं होता है मेरे भाई ठीक है पहले पूरा पेपर लगाओगे उसके बाद बता दीजिए आप उससे पहले की सोच रहे हो तो फिर कहानी गलत हो जाएगी हाँ परी जी एम का अपलोड है और सी एच एस एल का भी दोनों के पेपर अपलोडेड है पी वी एस ईयर के ठीक है लेकिन पहले पी वी एस ईयर का पेपर लगाओ ये मेरे टेलीग्राम का नाम है इस पर अपलोडेड है कुलदीप महिंद्रा रीजनिंग पे डेली क्लास चलती है साढ़े आठ बजे जुड़ना मत भूलिए और एक और बात अगर लगता है आप लोगों के लिए थोड़ी सी मेहनत करता हूँ तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों को पढ़ाई के मामले में थोड़ा सा स्ट्रिक बनना पड़ेगा दोनों साइड से आपको भी और मुझको भी क्योंकि अभी जो करी गई मेहनत है ना यही अपन को आगे की जिंदगी में बेहतर बनाएगी जो अपन आज मेहनत करेंगे लग कर इसको हमेशा याद रखना ठीक है ये सच बात है चलो ठीक है बस बढ़िया से मिलते हैं फिर कल साढ़े आठ बजे ठीक है ना डन दन डना डन दन? और बस ये मेरे टेलीग्राम का नाम है कुलदीप महिंद्रा सीजनिंग इस पर जुड़ जाओ इसी पे आप लोगों को पेपर मिल जाएगा पी वी पेपर का पेन भी है ठीक है चलो टेक केयर मेरे भाई ध्यान रखो अपना सब लोग बढ़िया से पढ़ो खुश रहो बाय बाय बेटा चलो टेक केयर हिंदी क्लास कब होगी रिक्तिम साहब संडे को करा रहा हूँ इस संडे को यानी कि इस अपकमिंग संडे को ला रहा हूँ हिंदी की क्लास ठीक है ना इस अपकमिंग संडे को इस संडे को मैं ला रहा हूँ हिंदी के लिए सही है चलो टेक केयर मेरे भाई चलो मेरे भाई बाय बाय सब लोग बढ़िया से पढ़ो और हाँ लाइक और शेयर जरूर करिएगा सेशन को देखो मैं पूरे टाइम बिल्कुल नहीं बोलता मुझे खुद याद नहीं रहता पढ़ाते समय लेकिन बाद में मुझे भी याद आता है वो बोलना भी होता है चलिए ठीक है ना तो लाइक ज़रूर करिएगा सभी लोग जाते जाते और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करिएगा एक एक लाइक बढ़ाते जाइएगा जितने हों सेशन में दो लाइक हो सकते हैं अगर आप लोग करो तो सही है चलो टेक केयर मेरे भाई बाय बाय टेलीग्राम पर जुड़ना मत भूलिएगा और पेपर डाउनलोड करके पेपर लगाना भी है